फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को परीक्षा पे चर्चा में कैसे रजिस्ट्रेशन करें। सिंपली आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है परीक्षा पे चर्चा। अब आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको सिंपली फर्स्ट अब आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और अब आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपको रेड में दिखेगा पार्टिसिपेट नाउ, इस पर क्लिक करना है। अब आपको स्टूडेंट में करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो लॉग इन टू पार्टिसिपेट स्टूडेंट आपको करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग के सामने कुछ इस तरह के, अगर आपको माई जी ओ वी पर पहले से अकाउंट क्रिएट है तो आपको माई जी ओ वी में लॉग इन कर देना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक लॉग इन विथ पासवर्ड और दूसरा ऑप्शन है लॉग इन विथ ओ टी पी, आपको जिससे उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका माई जी ओ वी पर अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर है रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको सिंपली सारी डिटेल्स फिल कर लेने हैं, उसके बाद से क्रिएट नाउ क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक करना है। उसके बाद से आपको ओ टी पी आपके ईमेल पर मिलेगा, आप ओ टी पी फिल करके अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद से अकाउंट क्रिएट करने के बाद से आप लोग के सामने फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको माई जी ओ वी में लॉग इन करना होगा। अब आप लोग, मैं ओ टी पी से लॉग इन किया हूँ इसलिए मैं अपना ओ टी पी डालकर सबमिट पर क्लिक करके अब लॉग इन कर रहा हूँ। लॉग इन होने के बाद से अब आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर आप जिस नेम से लॉग इन करेंगे आपका यहाँ पर नेम शो करेगा। उसके बाद से आपका डिटेल्स, उसके बाद से यहाँ पर आपको सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्कूल डिटेल्स सब कुछ फिल करने के बाद से यहाँ पर आपको इसमें से आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ से आपको ये सब फिल कर देने के बाद से यहाँ से आपको उसके बाद से सब कुछ फिल करने के बाद से आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद से अब आपका यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।